दोस्तों, कतर का जो बेसिक सैलरी है, आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कतर का जो बेसिक सैलरी होता है कितना होता है। कतर में बेसिक सैलरी, अगर आप लेबर में जा रहे हैं, अगर टेक्नीशियन में जा रहे हैं, अगर आप कोई मैकेनिकल में जा रहे हैं या कोई ऑपरेटर में जा रहे हैं, तो इन लोग का जो बेसिक सैलरी होता है कितना होता है कतर का, यही मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड और वीजा से रिलेटेड इन सारी चीज की जानकारी हमारे चैनल में दी जाती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, ताकि मेरे जो भी चैनल पे मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कतर का जो बेसिक सैलरी होता है, चाहे लेबर हो, चाहे कोई टेक्नीशियन हो, चाहे कोई ऑपरेटर हो, चाहे कोई ड्राइवर हो, सबका सैलरी अलग अलग होता है। और मैं बता दूं कि कतर का जो रूल्स है, कतर में एक पर्सन का जो एक लेबर जो जाता है तो उसका जो सैलरी होता है बेसिक सैलरी, वो कतर गवर्नमेंट की ओर से 1800 रुपये होता है। लेकिन उसमें से अगर कंपनी आपको रूम देती है तो रूम का पैसा कटेगा, उसके बाद आपको कंपनी खाना देती है तो खाना का पैसा कटता है, उसके बाद आपको बिजली का पैसा कटता है, उसके बाद आपको पानी का पैसा कटता है, तो ये सब कट पीट के वो टोटल माइनस हो जाता है। यानी कि लेबर का जो सैलरी होता है 800 से 1000, अब प्लस खाना कंपनी का, ऐसा लेबर का सैलरी होता है। उसके बाद सेम आपका इलेक्ट्रिशियन में हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का भी सैलरी उसमें हाई रहता है, यानी कि 2500 और 2000 ऐसे करीब में, 2500 या 3000 करीब में इलेक्ट्रिशियन का सैलरी होता है। लेकिन उसमें भी आपका जो कटिंग है वैसे ही कटता है जैसे वहाँ की गवर्नमेंट की रूल्स है कि आपको अगर रूम देती है कंपनी तो रूम का 500 दिनार काटती है। वो कंपनी अपना सब लोग बायोडाटा वो कम करके आपका जो चार्ज है वो बेसिक सैलरी जो होता है 1200 से 1400 वो कंपनी कर देती है। इलेक्ट्रिशियन में, मैकेनिकल में भी सेम होता है, मैकेनिकल में भी आपका सैलरी हो जाएगा 3000-3500 ऐसा सैलरी है मैकेनिकल का। लेकिन उसमें भी आपका पानी का, बिजली का, हर चीज़ का जो चार्ज है वो कट करके वो 1800 और 2000 रुपये पे वो मैकेनिकल में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कतर में जो सैलरी है बहुत परफेक्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है। अभी जो रेट चल रहा है हर चीज़ का वो बढ़ गया है, पहले था बहुत कम लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। कतर का जो रूल्स है वो बहुत पहले निकल चुका है, कम से कम आपको 2021 में ही निकला था कि कतर में जितने भी लेबर भाई हैं उनका सैलरी 1000 के ऊपर होना चाहिए। तो अभी जो रूल्स है वो 1000 के ऊपर ही है, यानी कि अगर आपको टोटल सैलरी जोड़ के बताया जाए तो 1800 होता है लेबर के लिए, 1800 में 500 खाना का, 500 रूम का कटता है, उसके बाद 300 आपको खाने का कटता है, उसमें पानी का हो गया, बिजली का हो गया, ऐसे कट के जो सैलरी बनता है लेबर का 1000 बनता है। मैं ड्राइवर भाइयों के लिए बता दूं कि ड्राइवर का भी सैलरी कतर में बहुत ही अच्छा है, चाहे वो लाइट ड्राइवर हो, चाहे हैवी ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, उन लोगों का भी सैलरी जो है वो 4000-4500 ऐसे सैलरी होता है। लेकिन उसमें भी वो कट के आपका जो सैलरी हो जाता है 1800 और 2000, उसमें भी आपका जो कंपनी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन, यानी कि रूम देती है, आपको लाइट देती है, पानी देती है, और जो भी खाना भी देती है, जो भी आपका कंपनी देती है, उसमें से सब कट पीट के आपको ड्राइवर का जो सैलरी होता है 2000 से 2500 ऐसे ड्राइवर का सैलरी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कंपनी में अगर आप लेबर में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ओवर टाइम मतलब कि मिलता है, यहाँ पे 2 घंटा कंपलसरी है कि आपको 2 घंटा ओवर टाइम मिलना ही मिलना है, चाहे लेबर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सेटिंग कारपेंटर, कोई भी ट्रेड हो, चाहे ड्राइवर हो। ड्राइवर, मैं आपको बता दूँ, ड्राइवर का सैलरी ओवर टाइम जो है वो ज़्यादा चलता है, यानी अगर वर्कर का अगर 2 घंटा भी चलता है तो ड्राइवर का सीधा 4 घंटा हो जाता है। तो ऐसा है कतर का रूल्स, और कतर का रूल्स जो है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप कतर का वैकेंसी आता है, चाहे आप लेबर में है, चाहे टेक्नीशियन में है, चाहे मैकेनिकल में है, कभी भी आपका वैकेंसी अगर इंडिया में आता है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसमें तुरंत अपना इंटरव्यू दें और उसमें सिलेक्शन करवाएं, उसके बाद आप कतर में जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग को बहुत 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 दिल से थैंक यू। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही हमको सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो आपको सामने पेश कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग चैनल देखते हैं, वीडियो मेरा पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्दी मैं आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ अपने चैनल पे,
वो आपको सरप्राइज रहेगा। तो चलिए इंतजार करते रहिएगा सरप्राइज के लिए। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।